बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने से इनकार कर दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन का चेयरपर्सन सुन लिया है, तो क्या खड़गे को विपक्ष की तरफ से पीएम पद का उम्मीदवार माना जा सकता है? नीतीश कुमार नाराज है, ममता बनर्जी नाराज है, अखिलेश यादव नाराज है, उद्धव ठाकरे नाराज है, बहुत बड़ा सवाल। न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। मुद्दा देश का में आज हम बात करेंगे इंडिया अलायंस को लेकर। लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, ऐसे में इंडिया अलायंस में अभी कुछ भी तय होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बैठकों का दौर तो लगा जारी है और बीते हफ्ते हमने देखा भी कि एक के बाद एक कई बैठकें हुई, सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हुई है, लेकिन अभी कुछ भी क्लियर नजर नहीं आ रहा है। अंदर खाने खबरें तो ये भी बताती हैं कि एक दूसरे से नाराजगी भी चल रही है। अगर हम आज की बात करें तो आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने से इनकार कर दिया। दरअसल शनिवार यानी कि आज इंडिया गठबंधन की एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी, जिसमें इस मुद्दे पर अलग अलग दल के नेताओं ने अपनी बात रखी। इसमें नीतीश कुमार के अपने बात कहते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि वो संयोजक नहीं बनेंगे। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करने वाला व्यक्ति आज ये कह रहा है कि वो संयोजक बनने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश के इनकार के बाद कुछ दलों ने लालू के नाम का प्रस्ताव संयोजक के लिए दिया। अब इस पर नीतीश ने कहा कि अगर ऐसा है तो लालू जी को ही बना दीजिए, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने ये कहा है कि ममता बनर्जी राजी नहीं है नीतीश को लेकर, और शायद यही वजह रही कि नीतीश ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की लगातार बैठकें हो रही हैं, और इस पर हम पहले भी बात करते आए हैं और लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। अभी तक संयोजक पद पर फैसला नहीं हुआ कि ये किसे दिया जाए। उम्मीद ये थी कि सीएम नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री के इनकार के बाद अब फिर से वही सवाल आकर अटक गया है, खड़ा हो गया है कि संयोजक किसे बनाया जाए। अब ऐसा दावा किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम तय कर लिया गया है। अब इस पर जेडीयू की क्या प्रतिक्रिया रही? नीतीश कुमार के इनकार के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा कहते हैं कि नीतीश कुमार से पूरे देश के लोग आकर्षित हैं। नीतीश कुमार आकर्षण का केंद्र है, हमारे नेता का एजेंडा संयोजक बनना नहीं है, हमारा एक ही एजेंडा है, भाजपा हटाओ और देश को बचाओ। अब उमेश कुशवाहा कहते हैं कि इंडिया गठबंधन बड़ा आकार ले चुका है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी हो रही है, नींद हराम तो हो ही गई है, बीजेपी वालों को बता देंगे, जनता सबक सिखा देगी। उमेश कुशवाहा ने बयान हाजीपुर में दिया। इससे पहले वर्चुअल मीटिंग से बाद निकलने के बाद मंत्री संजय झा ने मीडिया से बातचीत में करते हुए कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार ने बैठक में कहा है कि कांग्रेस को ही अध्यक्ष बनना चाहिए। ये उदारता है या जलन है या फिर कड़वाहट है, ये अभी पता कर पाना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। संजय झा ने कहा कि बैठक में बहुत सारी बातें हुई हैं। अब इस वर्चुअल मीटिंग में शामिल कौन कौन हुआ, जरा उस पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। शनिवार को हुई वर्चुअल मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एनसीपी चीफ शरद पवार, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी, तमिलनाडु के सीएम और डीएमके चीफ स्टालिन समेत 14 दलों के नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, सपा नेता अखिलेश यादव, शिवसेना उद्धव चीफ उद्धव ठाकरे शामिल नहीं हुए। विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन का चेयरपर्सन सुन लिया है। ये फैसला शनिवार को गठबंधन की हुई वर्चुअल बैठक में लिया गया। अब इंडिया ब्लॉक की इस पांचवी मीटिंग में 10 पार्टियों के नेता शामिल हुए। इसमें शामिल सभी दलों ने खड़गे को इंडिया ब्लॉक का चीफ बनाए जाने पर सहमति दे दी। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान गठबंधन के बाकी नेताओं से चर्चा के बाद किया जाएगा। शनिवार को हुई वर्चुअल मीटिंग में ना तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हुई और ना ही उनकी पार्टी TMC का कोई और प्रतिनिधि शामिल हुआ।
इसी तरह समाजवादी पार्टी का जिक्र भी हमने किया था कि अखिलेश यादव और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे भी शामिल नहीं हुई। अब बैठक से पहले ये अटकलें थीं कि इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाए जाने का फैसला हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिर खड़गे को इंडिया गठबंधन का चेयरपर्सन बनाए जाने का मतलब क्या है? सवाल बड़ा है। सवाल इसलिए बड़ा है कि क्या कांग्रेस तमाम दलों को लेकर चल रही है, या यूपीए का ये दूसरा वर्जन है, या क्षेत्रीय दलों की भी कोई अहमियत होगी? बहुत बड़ा सवाल है। गठबंधन चीफ यानी विपक्ष की तरफ से पीएम फेस क्वेश्चन मार्क। मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया ब्लॉक का चीफ बनाने का कहीं ये मतलब तो नहीं है कि विपक्ष की तरफ से लोकसभा चुनाव में पीएम पद के उम्मीदवार होंगे? वैसे भी जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी ने खड़गे को गठबंधन की तरफ से पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने का सुझाव भी दिया था, और आज एक मीटिंग भी हुई अकेले खड़गे के आवास पर। अखिलेश, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी पहुंचे थे, और यहां पर अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने कहा था कि दलित समुदाय से आने वाले खड़गे को पीएम फेस बनाने से चुनाव में विपक्ष को फायदा होगा। तो क्या खड़गे को विपक्ष की तरफ से पीएम पद का उम्मीदवार माना जा सकता है? अगर देखा जाए तो इसका जवाब नहीं है। गठबंधन का प्रमुख होना या चेयरपर्सन होना एक अलग बात हो जाती है, पीएम पद के लिए दावेदार होना अलग। दरअसल यूपीए के दौरान सोनिया गांधी गठबंधन की चेयरपर्सन थी, लेकिन प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह थे, इसलिए गठबंधन का चेयरपर्सन बनाए जाने को पीएम पद की उम्मीदवारी के तौर पर नहीं देखा जा सकता। शीट शेयरिंग, असल चुनौती इंडिया ब्लॉक का संयोजक या मुखिया कौन, ये तय करना बहुत बड़ा काम इंडिया अलायंस के लिए हो गया है। विपक्ष इस बड़ी चुनौती से क्या पार पा लिया है? सबसे बड़ी चुनौती तो शीट शेयरिंग की है, अभी तक तय नहीं हो पाया है। लोकसभा चुनाव में बमुश्किल 3 महीने बचे हैं, लेकिन विपक्षी गठबंधन अब तक ये तय नहीं कर पाया है कि किस राज्य में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। अभी तो बहस ही जारी है। ये तय हो जाए तो आगे तय करना भी चुनौती होगी कि किन किन सीटों पर कौन पार्टी लड़ेगी। हालांकि इसको लेकर बातचीत तो चल रही है। गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रभाव है, इसलिए वो सीट शेयरिंग को लेकर क्षेत्रीय दलों के साथ अलग अलग बैठकें कर रही है। शनिवार की बैठक में नीतीश कुमार ने भी सीट शेयरिंग को सबसे बड़ी चुनौती बताया था, और ममता बनर्जी के बैठक में शामिल नहीं होने को भी सीट शेयरिंग की जटिलता से जोड़कर देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल हो गया, केरल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली जैसे राज्यों में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय करना विपक्ष के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। ये मामला इतना जटिल है कि अगर इसे सही से हल नहीं किया गया तो चुनाव से पहले हो सकता है कि कुछ पार्टियां की राह गठबंधन से अलग हो जाए, और बीजेपी यही चाहती है। अब ऐसे सवाल ये है कि ना तो संयोजक बने, जिस चेहरे को कहा जाता है कि वो पीएम चेहरा है, और ना ही चेयरपर्सन बने हैं, तो अब नीतीश कुमार का होगा क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन का चेयरपर्सन बनाए जाने के बाद अब गठबंधन का कोई संयोजक भी चुना जाएगा, इसकी संभावना कम है। वैसे चेयरपर्सन और कन्वेनर यानी कि संयोजक, ये दोनों पद एक साथ भी रह सकते हैं, लेकिन हाल के सालों में गठबंधनों पर नजर डालें तो इसकी संभावना बहुत कम है। कांग्रेस की अगुवाई में इससे पहले जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए था, उसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी, यूपीए में कोई संयोजक नहीं था। दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी के दौर से बीजेपी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में संयोजक का पद रहा है, चेयरपर्सन का नहीं। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता एनडीए के संयोजक रह चुके हैं, फिलहाल उसमें संयोजक पद खाली है। अब खड़गे को चेयरपर्सन बनाए जाने के बाद नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनाए जाने को लेकर चलने वाली अटकलों पर विराम लग गया है। कुछ खबरों की माने तो मीटिंग के दौरान सोनिया गांधी समेत कुछ बड़े नेताओं नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की पेशकश की, लेकिन नीतीश ने उसे ठुकरा दिया। क्या नीतीश कुमार नाराज है? ममता बनर्जी नाराज है? अखिलेश यादव नाराज है? उद्धव ठाकरे नाराज है? बहुत बड़ा सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए नीतीश कुमार ने ही सबसे पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने का बीड़ा उठाया। असल में वही इंडिया गठबंधन के शिल्पकार भी हैं, इसलिए समय समय पर देखा जाए तो उन्हें गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की अटकलें लगती रहती हैं। अब ये अटकलें भी थी कि इसमें देरी की वजह से नीतीश कुमार नाराज है। अब गठबंधन की पांचवी बैठक से साफ हो गया कि वो संयोजक नहीं बनने वाले, तो क्या इससे बिहार के सीएम
वाकई नाराज हैं। खबरों की माने तो सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि मीटिंग के दौरान नीतीश कुमार ने ही कहा कि कांग्रेस से ही किसी नेता को गठबंधन का चेयरपर्सन बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी पद में दिलचस्पी नहीं, वो अपने लिए कोई पद नहीं चाहते, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि गठबंधन मजबूत हो। नीतीश कुमार ने कहा कि एकजुटता जरूरी है। क्या नीतीश कुमार को पता चल चुका है कि गठबंधन आगे चलकर खत्म हो जाएगा? या नीतीश कुमार को पता चल चुका है कि बीजेपी की आंधी के आगे INDIA अलायंस टिकने वाला नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि गठबंधन में कुछ भी तय नहीं हो पा रहा है। नीतीश के नाराज के अलग, ममता बनर्जी के अलग, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे आते आते ऐसा ना हो कि गठबंधन बिखर जाए और फिर संभालना मुश्किल हो जाए और कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका लगे, क्योंकि कांग्रेस ना तो अकेले फिर लड़ पाएगी और ना गठबंधन के साथ। मुद्दा देश का में आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर लौटेंगे, देश के कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। धन्यवाद।